तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर जुड़ी एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को कर लीजिए यहाँ से सब्सक्राइब और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि किसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे मनरेगा की ओर से। दोस्तों यहाँ पर आपको भर्ती निकाली गई है, भर्ती जो कि है ग्राम रोजगार सहायक के संदर्भ में। तो दोस्तों यहाँ पर एक नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है, उसको हम थोड़ा सा रीड आउट करते हैं और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम चेकआउट करेंगे कि क्या ये भर्ती कब तक आएगी, किस तरीके से ये भर्ती रहेगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लेटर देख लेते हैं, पत्र क्रमांक दोस्तों यहाँ पर ये रहेगा आपका मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद की ओर से, मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था की ओर से, भोपाल की ओर से जारी हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप पत्र क्रमांक देखेंगे 6859, ये आपका पत्र क्रमांक है मनरेगा MPNR 2022 के संदर्भ में है। 1/11/2022 को समथिंग ये नोटिफिकेशन अपडेटेड हुआ है। सभी जिला कलेक्टर कार्य समन्वयक अधिकारियों के लिए है, मुख्य कार्यपालन अतिरिक्त जिला कार्य समन्वयक के लिए भी ये है। विषय है ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के संबंध में, तो कृपया संदर्भ पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भ पत्र द्वारा मनरेगा योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति कराए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद पत्र क्रमांक 5636 के दिनांक 14/8/2017 से मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रशासनिक मद के GOI द्वारा राशि आवंटित नहीं होने से ग्राम रोजगार सहायक की नवीनतम नियुक्ति हेतु अनुमति के संबंध में रोक लगाई गई थी, लेकिन वर्तमान में ग्राम रोजगार सहायकों के पद रिक्त होने के कारण ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के अतिरिक्त भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजना तथा प्रधानमंत्री आवास, 15वां वित्त आयोग, सामाजिक न्याय विभाग की विभिन्न योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन, पोषण शक्ति निर्माण योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, आयुष्मान कार्य कार्ड संबंधी कार्य, श्रम विभाग, कर्मकार मंडल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण एवं निर्वाचन इत्यादि संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए अतः ऐसी ग्राम पंचायत जहां मनरेगा की कुल वार्षिक राशि 3.5 लाख रुपए विगत 5 वर्षों के औसत से अधिक व्यय होती है, उन ग्राम पंचायतों में परिषद द्वारा ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति के संबंध में जारी निर्देश दिशा निर्देश जारी, जो कि 2/6/2012 के प्रदत्त अनुसार ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति की जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर जिन जिन गाँव में ग्राम रोजगार सहायक नहीं है वहां पर आपकी ये भर्ती होगी। ऐसी पंचायतों में भी सभी उपरोक्त उल्लिखित सीमा को ध्यान में रखते हुए जो समय समय विभिन्न कारणों से ग्राम रोजगार सहायकों की संविदा समाप्त की जाती है, ऐसी पंचायतों में उपरोक्त उल्लिखित सीमा को ध्यान में रखते हुए ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती की अनुमति प्रदान की जाती है। ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के लिए पूर्व में जारी दिशा निर्देश पालन आपके अनिवार्य रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 1 तारीख का ये नोटिफिकेशन है, सभी मध्य प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर, जिला संभाग कमिश्नर, कार्यपालक अधिकारियों के लिए ये अपडेटेड हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, तो फिलहाल में दोस्तों यहाँ पर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है। तो इसको दोस्तों यहाँ पर हम और इस पर सर्च कर रहे हैं, जैसे ही यहाँ पर बाकी पूरा नोटिफिकेशन मिलेगा तो भी हम आपको बात करेंगे। दूसरी यहाँ पर हम बात करेंगे आवेदन के प्रारूप की, यदि आपके गांव में ये भर्ती खाली है तो ग्राम रोजगार सहायक का ये संदर्भ में यहाँ पर परिपत्र का परिशिष्ट 2 के अनुसार ये रहेगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आवेदित पद ग्राम रोजगार सहायक ही रहेगा। आवेदित ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत में आप रहते हैं उस ग्राम पंचायत का आपको नाम लिखना है, आवेदन का आवेदक का नाम लिखना है, पिता पति का नाम लिखना, आवेदक का वर्तमान पता, आवेदक का स्थायी पता, निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना जरूरी रहेगा, वांछित प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि आपको संलग्न करना है, मोबाइल नंबर है, जन्म स्थान है, ग्राम पंचायत जनपद पंचायत वो आपको लिखना है जो भी आपकी लगती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है शब्दों और अंकों में, 1 जनवरी 2022 के अनुसार आपकी यहाँ पर कितनी आयु हो रही है वो आपको यहाँ पर देना है, जाति आपकी कौन सी है,
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र आपको दोस्तों यहाँ पर लगाना पड़ेगा। शारीरिक यदि विकलांग है तो आपको यहाँ पर उसका संबंधित डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। क्या आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे हाँ और यहाँ पर जिले का नाम लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंटेशन लगाना है, सबसे पहले 10वीं कंप्यूटर में जो भी आपने किया हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बीकॉम यदि आपने किया है तो बीकॉम लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बाकी भी यदि आपने जो भी ग्रेजुएशन की है वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं कॉलम बढ़ा के। यहाँ पर बोर्ड का नाम, वर्ष का नाम, विषय, प्राप्त अंक और प्रतिशत आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यदि आपने कोई प्रशिक्षण है, आपके पास कार्य अनुभव है, रोजगार का विस्तृत विवरण है तो वो आप यहाँ पर संलग्न कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर अकाउंटेंसी कंप्यूटर एप्लीकेशन है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आर्किटेक्चर है, असिस्टेंट है, ये यदि आप इनमें से है, अकाउंटेंसी है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसी पीजीडीसी क्या है तो वो आप लगा सकते हैं। कार्य विभाग है कंपनी, आईटीआई, रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 6 माह के प्रशिक्षण या आईटीआई यदि आपने किया है तो कब से कब तक किया है ये आप दे सकते हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं है। ग्रामीण इंजीनियरिंग में यदि आपने 110 दिवस का कार्य किया है मैसन या प्लम्बर के रूप में तो आप दे सकते हैं। ड्राफ्टमैन यदि किया है तो दे सकते हैं। DOSE से मेट से प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे दो व्यक्तियों के नाम, पता, टेलीफोन नंबर देना है, रिश्तेदार जो नहीं हो जो आपके बारे में आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित कर सके, मतलब दो परिचित की जानकारी देना है जो आपको यहाँ पर जानते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको घोषणा पत्र दिया गया है, इसमें दिनांक लिखना, स्थान लिखना और आपको यहाँ पर अपने हस्ताक्षर लिखना है, कृपया हाथ पर नहीं लिखें। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जिसमें स्वयं प्रमाणित सभी सत्यापित छायाप्रति आपको लगाना है, जिसमें आपकी 10वीं की मार्कशीट, कंप्यूटर किया है तो कंप्यूटर, बीकॉम किया है तो बीकॉम, जाति, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र यदि आपके पास आईटीआई है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन है डीसी पीजीडीसी तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। 6 माह का कोर्स प्रशिक्षण प्राप्ति का प्रमाण पत्र, आईटीआई यदि आपने इंजीनियरिंग किया है या फिर आपके पास बाकी भी यदि कोई जानकारी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। अभी तक यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा, नाम पता पूरा लिखेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जनपद पंचायत द्वारा आवेदकों को दी जाने वाली पावती, यदि आपके ग्राम पंचायत में भर्ती खाली है तो आप अपना फॉर्म जनपद पंचायत में आप जमा करा सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम, आपका पता, आपका ग्राम पंचायत, रिक्त रोजगार सहायक के संविदा पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, आवेदन क्रमांक नंबर वो वहीं से आप प्राप्त करेंगे और देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट है जिसमें हाँ नहीं पर टिक लगाएंगे, आपने क्या क्या लगाया है और क्या क्या उनके पास यहाँ पर रहेगा, आवेदक के हस्ताक्षर रहेंगे और प्राप्त जो करेगा कैंडिडेट वो आपको यहाँ पर देगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जरा से नीचे आएंगे तो आपके जो कार्य होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जॉब कार्ड के मतलब रोजगार सहायक के संबंधित सभी गाँव के ग्रामीण क्षेत्र के जो भी काम होते हैं वो आपके रहते हैं, जैसे जॉब कार्ड प्राप्त करना, जॉब कार्ड प्रदाय करना, अभिलेख संधारण करना, कार्य बार नस्ती संधारण करना, कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाएं, दैनिक मानव दिवस, 100 दिवस का कार्य, सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट या फिर लेबर बजट और वार्षिक कार्य योजना का आपको ये कार्य करना पड़ेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कार्य का चयन, कार्यों के प्रकलन एवं तकनीकी स्वीकृति, कार्य का प्रशासकीय स्वीकृत, रोजगार की मांग, ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर यदि आपने रोजगार सहायक हैं तो आपको इस तरीके की ये जानकारी आपको करना पड़ेगी। यहाँ पर आपको ये जानकारी, सारी की सारी जानकारी आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रहता है तो यहाँ से आप जिलेवार आपका क्या क्या कार्य चल रहा है, क्या क्या कार्य आपको करना पड़ते हैं वो सारी चीजें रहती हैं। यहाँ पर मस्टर रहता है, यहाँ पर आपकी क्रियान्वयन की पूरी जानकारी आपको दी जाती है तो जो भी आप यहाँ पर चाहें वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा के लिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको मेरा कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।